हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान बच्चों को फीवर आना बहुत ही आम बात है। हाउएवर, आजकल जो वायरल के स्ट्रेन्स देखे जा रहे हैं, स्पेशली कोविड में और इन्फ्लुएंजा वायरसेस में, इसमें देखा जा रहा है कि बच्चे को एक हाई फीवर आता है। अब हाई फीवर को मैनेज करना सब पेरेंट्स को नहीं पता होता, हम काफ़ी घबरा जाते हैं, हमें लगता है इसका इम्पैक्ट बच्चे के ब्रेन पर ना हो जाए, काफ़ी बच्चों को सीजर्स होते हैं, काफ़ी बच्चों को फिट्स पड़ते हैं और इससे हम डेफिनेटली डरते हैं। फीवर अपना टाइम लेता है सबसाइड करने में, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से मेडिकेशन लेंगे, चेक कराएंगे, ये हम सबको पता है हमें करना है। बट साथ ही हमें घर पे कैसे केयर करना है बच्चे की, स्पेशली हाई फीवर के दौरान, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टिपिकली 102 से ऊपर जब बुखार जाता है तो उसे हाई फीवर की कैटेगरी में माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर को आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना है। अगर आपका डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो चुका है तो आप उस हिसाब से मेडिकेशन दीजिए। अगर आपका नहीं हुआ है तब भी सब पेरेंट्स को पता होता है कि SOS में बुखार की बच्चे को क्या दवाई देनी है और आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि वही बता सकते हैं कि फीवर के नीचे अंडरलाइंग रीजन क्या है। मीनवाइल हम घर पे बच्चे का केयर कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मैंने भी एज अ मदर अपने दोनों बच्चों के साथ एक्सपीरियंस करी, मैं फेल हुई और जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पे मैंने सीखी, वो है कि मुझे बच्चे को ओवरड्रेस नहीं करना है। टिपिकली जब बुखार होता है हमें लगता है बच्चे को ठंड लग रही होगी, कपकपी होगी, कंबल दे दो, कपड़े पहना दो, सॉक्स पहना दो, टोपी पहना दो, मिटन पहना दो, हम ये सब करते हैं बच्चों के साथ। बट यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बुखार में बॉडी ऑलरेडी गर्म होती है और जब हम बच्चे को ओवर ड्रेस कर रहे हैं तो उसकी बॉडी में हम जो हीट है उसको ट्रैप कर रहे हैं, हम उस हीट को बाहर निकलने की जगह ही नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप बच्चे को अनड्रेस करना स्टार्ट करेंगे बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। मैं अपनी डॉटर को सर्दी में 103 बुखार में जब हॉस्पिटल लेके गई थी, इमरजेंसी में मुझे ले जाना पड़ा था, तो सबसे पहली चीज उन्होंने उसको अनड्रेस ही किया था। मुझे डॉक्टर ने स्पेसिफिकली कहा था कि आप इसको डायपर में रहने दो, अगर उसको ठंड नहीं लग रही, कपकपी नहीं लग रही तो कॉटन की टी शर्ट और डायपर में उसको रहने दीजिए, ऊपर से एक हल्की सी कॉटन की शीट डाल दीजिए और थोड़ी देर दीजिए, बॉडी से हीट धीरे धीरे निकलेगी एंड दैट ऑल्सो वर्क्ड। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, वेदर के अकॉर्डिंगली बच्चे को आप कॉटन के एरी कपड़े पहना दीजिए स्पेशली ड्यूरिंग फीवर, और कॉटन की शीट या कॉटन का लाइट ब्लैंकेट दे दीजिए डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर आपके वहां पे क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वेंटिलेशन। आपको बुखार के टाइम पे पंखा बंद कर दो, एसी बंद कर दो, ये सब नहीं करना है कि बच्चे को गर्मी देंगे, पसीना आएगा, पसीने से बुखार टूटेगा, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट बुखार के टाइम पे आपको बच्चे को एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रखना है जहां पे हवा आ रही हो। डायरेक्ट हवा बच्चे को नहीं आनी चाहिए, बट आप लाइट फैन चला सकते हैं, आप एक नंबर पे या दो नंबर पे, डिपेंडिंग ऑन कितनी गर्मी है, आप फैन चला सकते हैं। और साथ ही अगर आप एसी यूज कर रहे हैं तो वो भी 25 से 28 डिग्री के बीच में आप एसी का टेम्परेचर सेट करके रख सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कभी भी आप हॉस्पिटल भी जाएंगे या इमरजेंसी में भी जाएंगे तो वहां पे एसी बंद नहीं होते हैं, एसी का टेम्परेचर हाई करके रखा जाता है, बिकॉज वेंटिलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। विंडो ओपन कर दीजिए, हल्का फैन चला दीजिए, बच्चे को डायरेक्ट हवा से दूर रखिए एंड बच्चे की बॉडी को कूल डाउन होने में मदद मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बच्चे को दवाई तो दे दी जो भी आपको डॉक्टर ने बताया, बट साथ ही अगर बुखार नहीं टूट रहा है या बुखार 102 से ऊपर है तो आपको बच्चे को स्पॉन्ज करना स्टार्ट करना है। स्पॉन्ज कैसे करना है इसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप अपने डॉक्टर से भी ये पूछ सकते हैं कि मुझे एक बार समझा दीजिए कि बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो मैं कैसे स्पॉन्ज करूं, वो सबसे आइडियल होगा एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। बट बेसिकली जो पानी का टेम्परेचर है वो ठंडा नहीं होना चाहिए स्पॉन्ज के लिए। आप जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर यूज कीजिए, अदरवाइज हल्का गुनगुना पानी आप यूज कर लीजिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए। उसको लेके आप बच्चे की बॉडी को स्पॉन्ज करना स्टार्ट कीजिए। आइडियली पूरी बॉडी को स्पॉन्ज करना अच्छा रहता है, बट मान लीजिए आप पूरी बॉडी नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे का सिर करना है, गर्दन के पीछे का एरिया, गर्दन का एरिया, अंडर आर्म्स का एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट ट्रैप होती है, और जो बच्चे का जेनिटल एरिया है वहां पे आपको जरूर स्पॉन्ज करना है जिससे कि जो हीट है वो निकलेगी। आप कभी भी बच्चे की बॉडी टच करेंगे तो ये एरिया सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, यहाँ पे हीट फंस जाती है। इसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बच्चे को टोपी मत पहनाइए, हाथ मत कवर कीजिए और पैर मत कवर कीजिए, हीट को बाहर निकलने दीजिए। जब आप बच्चे को स्पॉन्ज कर रहे हैं तो फैन ऑन नहीं होना चाहिए, हवा रूम में नहीं होनी चाहिए। स्पॉन्ज के टाइम में आप वेंटिलेशन को बंद कर दीजिए
और अगर दिख रहा है कि स्पॉन्ज करने से बच्चे को कपकपी हो रही है तो आप स्पॉन्ज को रोक दीजिए, इसका मतलब उसकी बॉडी को उस टाइम पे स्पॉन्ज नहीं सूट कर रहा है। मेरा बेटा जब छोटा था तो वो स्पॉन्ज नहीं कराता था, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि अपने हाथों में पानी ले लो और उसके बाद जैसे बच्चे को प्यार करते हो इस तरीके से, ऐसे करके आप उसकी बॉडी पे आराम आराम से प्यार करो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को टॉवल स्पॉन्ज से डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है पानी। बच्चों को बुखार के टाइम में हाइड्रेटेड रखना, उन्हें पानी देना, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें एज पेरेंट्स खाने को भूल जाना है, हमें उसके लिक्विड इनटेक पे, उसकी हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। अब बुखार है बच्चे को ऑलरेडी, बच्चा बिल्कुल उठ नहीं पा रहा, वीक फील कर रहा है, उसका पानी पीने का मन नहीं करेगा, तो जो भी आपके पास मेडिसिंस होती हैं, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो ड्रॉपर ले लीजिए, 6 महीने से ऊपर के बच्चे को तो आप पानी भी दे सकते हैं, ड्रॉपर या वो जो ढक्कन होते हैं दवाइयों के, उसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ले लीजिए, 5-5 ml, और थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे का मुंह खोलिए और उसमें वो पानी डाल दीजिए, अगर बच्चा पानी नहीं पी रहा है तो। इस तरीके से जब पानी अंदर जाएगा तो जो बॉडी है वो कूल डाउन होगी, बॉडी को हाइड्रेशन मिलेगी, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो रिकवर जल्दी करेगी और बॉडी की हीट भी कम होगी। प्रॉब्लम होती है कि बुखार हुआ, बच्चे ने पानी पीना बंद कर दिया, बच्चे ने खाना बंद कर दिया, एंड दैट्स इट। हमारी बॉडी जो लड़ रही है उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है कि वो उस चीज़ को फाइट कर सके। इसके अलावा रेस्ट कराना बच्चे को इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। भूल जाइए कि बच्चा एक्स्ट्रा स्क्रीन देख रहा है या आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है या आपको इतना टाइम देना पड़ रहा है। इस टाइम पे बच्चे का बेड पे रहना, रेस्ट करना उसकी बॉडी को रिकवर करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस टाइम पे अपना जो एक्टिव मोड है वो बिल्कुल ऑन कर लीजिए। चाहे आपको बच्चे के साथ बैठ के थोड़ी मूवीज देखनी पड़े, थोड़ा स्क्रीन देखना पड़े, इट्स ओके, ये उसको फीवर से लड़ने में हेल्प करेगा। एंड लास्ट में आपको ये बोलूंगी, इमिजिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। टिपिकली वायरल फीवर्स 2-3 दिन में अपने आप कम आ जाते हैं। ये ट्रेंड देखे जा रहे हैं कि आजकल बुखार हाई जाता है और उसके बाद वो टूटता है और फिर धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। अगर 2-3 दिन में बुखार नहीं उतरता तब टिपिकली डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कराइए और देखते हैं कि कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन है या नहीं। बट इस पीरियड में टिपिकली बुखार हैंडल हो जाता है, स्पेशली अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो। सो गाइज, आई होप इन टिप्स ने आपकी मदद करी होगी। मेरे 2 बच्चे हैं बट फिर भी एज अ पेरेंट जब भी उन्हें हाई फीवर होता है तो मैं काफ़ी घबरा जाती हूँ, बट मुझे पेशेंस रखना है और मुझे ये करना है, बिकॉज इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बुखार अपना टाइम लेगा और धीरे धीरे बॉडी से निकलेगा, हमें सिर्फ सपोर्टिव केयर करनी है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फूड पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको बच्चा खा रहा है तो नथिंग लाइक इट, पर अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिक्विड इनटेक पे ध्यान दीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स दीजिए। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, सब पेरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।